गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कन्हई बारिक, टाटा कॉलेज चाईबासा। आज हम लोग फिर से न्यूक्लियर फिजिक्स का जो सेकंड टॉपिक है दैट आई विल स्टार्ट टुडे। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। सो व्हाट इज मास डिफेक्ट? टर्म से ही पता चल रहा, मास का कमी होना, मास का घटना। सो व्हाट इज द कॉज, वाई देर विल बी ए मास डिफेक्ट? सो पहले हम लोग देखते हैं मास डिफेक्ट को, हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा एम से। व्हाट इज मास डिफेक्ट? नाउ दिस इज द डिफरेंस ऑफ मास, दिस इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन, दैट इज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन द फ्री स्टेट, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियॉन का जो मास है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन का मास अगर हम लोग फ्री स्टेट में ले लेंगे। फ्री स्टेट में मान लीजिए दो प्रोटोन है, दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन बहुत दूर दूर में है, तो फ्री स्टेट में प्रोटोन का मास लेंगे, पहला प्रोटोन का मास लेंगे, दूसरा प्रोटोन का मास लेंगे, फ्री स्टेट में दो न्यूट्रॉन का ही मास लेंगे, दोनों का मास को हम लोग ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और उसके बाद जब प्रोटोन और न्यूट्रॉन कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जब वो लोग रहेंगे, तब उसका मास हम लोग ले लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, चूंकि हम लोग जानते हैं मास ऑफ प्रोटोन कोई भी न्यूक्लियस में कितना प्रोटोन रह सकता है ना, हम लोग जानते हैं प्रोटोन का मास अगर एमपी माने तो प्रोटोन का संख्या को हम लोग नंबर को हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटम के नंबर जेड। तो अगर हम लोग हीलियम का एटम अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग जानते हैं हीलियम का एटम में, हीलियम का जो एटम अगर लेंगे तो उसमें दो प्रोटोन रहेंगे और दो न्यूट्रॉन रहेंगे। हीलियम को हम लोग लिखते हैं H2O4, इसका मतलब दो हो गया प्रोटोन का संख्या और दो हो गया A-Z, दो हो गया प्रोटोन का संख्या माने दिस इज Z, और दो हो गया न्यूट्रॉन का संख्या मीन्स A-Z। तो हम लोग को क्या करना है ना, पहले दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन को फ्री स्टेट में लाना, तो दो प्रोटोन जब फ्री स्टेट में रहेंगे तो दोनों का मास हम लोग लेंगे एमपी मीन्स मास ऑफ प्रोटोन इन फ्री स्टेट, और जेड मीन्स उसका संख्या, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का संख्या को हम लोग बोलते हैं एन या तो A-Z, तो A-Z होगा न्यूट्रॉन का संख्या, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इन फ्री स्टेट दैट इज इक्वल टू MN। अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े जो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास फ्री स्टेट में क्या हो सकता है। अब मास ऑफ न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन का जो मास होगा ये हो गया प्रोटॉन का मास और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन का मास, तो ये पूरा बन गया आपका न्यूक्लियॉन का मास। लेकिन ये न्यूक्लियॉन का मास हो गया कब, ना मास ऑफ न्यूक्लियॉन इन फ्री स्टेट, और न्यूक्लियस का मास मीन्स जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड होकर न्यूक्लियस बनाएंगे तब उसका मास हम लोग मानेंगे एम। तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या है ना, फ्री स्टेट में प्रोटोन और न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो अगर मान लीजिए अगर आम का उदाहरण अगर ले लें, और जैसे हमारे पास चार आम है, फ्री स्टेट में चारों आम को हम लोग जोड़ेंगे, फ्री स्टेट में यहाँ पर एक आम, यहाँ पर एक आम, मान लीजिए यहाँ एक आम 1 kg, वहाँ एक आम 1 kg, उधर एक आम 1 kg, इधर एक आम 1 kg, तो 4 kg होना चाहिए। जब चारों आम को एक साथ मिला करके जब हम लोग नापेंगे तो मन में तो सवाल आ सकता है 4 kg ही तो होना चाहिए, होता भी तो ऐसे ही है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के केस में अगर देखें तो ऐसा हम लोग का नहीं होगा। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में हम लोग पहुंच सकते हैं, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो ये जो हम लोग सोचते हैं जो न्यूक्लियस को, एटम को या सब चीज़ को किसी ने बनाया होगा, बात ऐसा नहीं है। अगर किसी ने बनाया होता, जैसे अगर आम की बात करें, यहाँ पर एक आम, यहाँ पर एक आम, यहाँ पर एक आम, यहाँ पर एक आम, चारों आम को आप ऐड कीजिए, उसका मास को 4 kg हो, एक साथ कंबाइंड कीजिए आप ला करके तो 4 kg हो। लेकिन अगर किसी प्रोसेस से वही चारों आम अगर अपने आप अगर आते प्रोसेस के माध्यम से फिर अगर कंबाइंड होते तो 4 kg नहीं होता, 4 kg से कुछ कम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड हो चुका है, जो जब फ्री स्टेट में हम लोग मास को नापेंगे तो जितना होगा, कंबाइंड स्टेट में जब हम लोग मास को नापने जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगा। इसका मतलब डेल्टा एन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका वैल्यू बहुत ही कम हो सकता है अगर हम लोग एटॉमिक लेवल में अगर जाएं तो, इसलिए इसको एक्सप्रेस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में। और बड़ा मास अगर हम लोग लेते हैं जैसे सन के केस में तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे केजी में। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट। अब ये जो मास की जो कमी होती है, ये मास
डिफेक्ट क्यों होता है, ये जो मास जो घटा ये कहाँ गया। पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी हम लोग का नहीं था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन आने के बाद आप लोग जानते हैं फेमस फार्मूला, एल्बर्ट आइंस्टाइन का हम लोग जानते हैं, उनका जो फेमस जो इक्वेशन है E=mc² (Δmc²), इसका मतलब क्या, एनर्जी एंड मास ये अलग अलग चीज़ नहीं है। पहले हम लोग पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ मास अलग से पढ़ते थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग से पढ़ते थे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूला आने के बाद हम लोग अब जो पढ़ते हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मीन्स मास एंड एनर्जी दिज आर नॉट डिफरेंट, दिस आर द वी कैन से दिस आर दिस कैन बी इंटर कन्वर्टेबल। जो मास वही एनर्जी है, जो एनर्जी वही मास है, मीन्स वी कैन कन्वर्ट दैम। सो वट इज बाइंडिंग एनर्जी, आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस का, जैसे हम लोग बात करें हीलियम एटम, हीलियम एटम में दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन आप लोग जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन रहेंगे, न्यूक्लियस का साइज आप लोग जानते हैं बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसका रेडियस हम लोग पढ़े हैं R=r0e^1/3, और r0 का जो वैल्यू होता है वो 1.2 फर्मी, बहुत ही कम वैल्यू होता है। तो इतने कम दूरी में दो प्रोटोन अगर रहेंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन तो बहुत ज़्यादा होंगे, और ये रिपल्सन के चलते ये एटम तो टूट जाना चाहिए, न्यूक्लियस तो टूट जाना चाहिए, लेकिन ये टूटता नहीं है। इसका मतलब इसको बांध के रखने के लिए कोई एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, पहला दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस, सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, या टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पार्टिकल को न्यूक्लियस से निकालने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, सो दैट दे विल नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांधने के लिए कुछ एनर्जी का दरकार पड़ता है, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, आता कहाँ से, ना मास डिफरेंस। हम यहाँ पर जो लिखे हैं द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफरेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस के अंदर में रिपल्सिव फोर्स के बावजूद बांधता है, न्यूक्लियर फोर्स ही हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, और इसको बांधने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एल्बर्ट आइंस्टाइन दिखा है जो एनर्जी अगर है तो कहीं ना कहीं वो मास से ही है। तो ये जो मास का जो डिफेक्ट हुआ, कुछ मास जो घटा, पहले जब फ्री स्टेट में था तब मास था ज़्यादा, जब कंबाइंड स्टेट में आ गया तब मास हो गया कम। तो ये जो मास की जो कमी आए, यही मास कन्वर्ट हो जाएगा आपका एनर्जी में। तो ईवी इज कॉल बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू Δmc², डेल्टा एम के जगह में हम लोग ये वाला पार्ट लिख सकते हैं और c², अगर हम लोग amu में एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो इसी को हम लोग 1 amu माने ये c² के जगह में 1 amu लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन है E=Δmc². तो डेल्टा एम के जगह में अगर 1 amu अगर लिखेंगे और c² के जगह में अगर 3×10⁸ का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो एनर्जी जो हम लोग को मिलेगा, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 1 amu में 1.6×10⁻², और इसको 3×9×10⁻¹, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो हम लोग को 931×10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो 931 MeV, नियरली इक्वल टू 931 MeV एनर्जी हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग इसी को अगर जूल में एक्सप्रेस करना है तो ये फार्मूला हम लिख सकते हैं, एमयू में एक्सप्रेस करना है तो ये फार्मूला, या तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग इसको इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं 931 MeV। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं डेल्टा 931 MeV, और पर न्यूक्लियॉन में किसी भी न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियॉन का संख्या तो आप लोग जानते हैं वो होता है ए के बराबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दिस विल डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कौन न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है उससे हम लोग को पता नहीं चलेगा जो वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स किसका ज़्यादा है वो न्यूक्लियस होगा ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब एक एक न्यूक्लियॉन को बांधने के लिए जो एनर्जी
जो लगता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन। तो एक एक न्यूट्रॉन को बांधने के लिए जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा वही न्यूक्लियस होगा आपका ज़्यादा स्टेबल। अगर हम लोग इसका कर्व के बारे में अगर बात करेंगे, सारा एलिमेंट को अगर हम लेंगे एक तरफ में मास नंबर अगर हम लेंगे और एक तरफ में अगर हम लेंगे बाइंडिंग एनर्जी।